दोस्तों कोई कितना भी उधार क्यों ना मांगे, लेकिन सावन के महीने में ये चार चीजें गलती से भी किसी को ना दे, नहीं तो भोलेनाथ आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों सावन के महीने का हर एक दिन बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर यदि कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि सावन के महीने में कुछ चीजें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीजों का यदि आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल करके भी ये चार चीजें किसी को भी नहीं देनी है, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आज के समय में उधार देना या फिर लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, इसकी वजह से वे उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक स्वरकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि सावन के महीने में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्वान हो जाती है? कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले चीज की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दे, जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ा पूजा की सामग्री आप भूल करके भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी ना दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और वह आपको फल नहीं मिल पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल करके भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को धूप अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें भी चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में यदि भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध दही छाछ या फिर संध्या काल के समय में पैसे मांगने आ जाते हैं तो भूल करके भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसे कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल करके भी आपको किसी को भी अपने पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या फिर बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में वह चीजें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्याकाल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन प्याज दूध दही तथा उधार पैसा भी मांगने के लिए क्यों ना आता हो। जब सूर्य उदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल करके भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की सुख समृद्धि तथा माँ लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों जो दान पुण्य से जुड़ी हुई होती है इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। उसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भूल करके भी किसी सुहागन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करता है और वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं, तेल घी या फिर अपने घर की हल्दी। ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीजें होती हैं माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल करके भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है, इसलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले और सफेद कपड़े ना दें। जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल करके भी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी होती है और अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दें। आप चाहें तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष मान्य है, तो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं और यही चीजें माँ लक्ष्मी को भी आमर्त्रित करने का कार्य करती हैं, तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर अर्थात गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों ये पांच चीजें किसी भी सुहागिन महिला को भूल करके भी ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महीना की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जो व्यक्ति सावन के महीने में डेली वाले नमक को भी दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, भोलेनाथ की कृपा भी उसके ऊपर सदैव बरसती है। सावन में नमक का दान
हर हाल में आपको करना चाहिए। यदि सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है, तो सावन में नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वाकई में शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, तो हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें, बोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं स्वयं पूरी करें। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।